हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है रियलमी 3i के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी 3i है तो दोस्तों आपको पता है कि आपका डिवाइस काफ़ी पुराना डिवाइस है। दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी 3i है तो दोस्तों कुछ लोगों का डिवाइस अभी तक डैमेज हो गया होगा और वो लोग अपने डिवाइस को रिप्लेसमेंट भी करा चुके होंगे। बट दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक डिवाइस पूरा प्रॉपर अच्छे तरह से काम कर रहा है। बट दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में अगर आपका डिवाइस डैमेज हो जाता है, जैसे अगर आपकी बैटरी डैमेज हो जाती है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है, हो सकता है कि अगर आपकी डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम जाए, दोस्तों हो सकता है कि अगर आपके फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम जाए, तो ऐसे में दोस्तों या हो सकता है कि अगर आपके मेन बोर्ड में या फिर बैक कवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो दोस्तों वैसे में आपको उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको नहीं पता होगा बिना सर्विस सेंटर जाए हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में रियलमी 3i के जितने भी पार्ट्स आते हैं, सारे पार्ट्स की आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बताऊंगा बिना सर्विस सेंटर जाए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल करिए, ताकि आने वाली हर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ रियलमी 3i की बैटरी डिपार्टमेंट की। दोस्तों, बैटरी नियर अबाउट आज की डेट में अच्छा खासा आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों, हो सकता है कि बैटरी कुछ टाइम या फिर कुछ वक्त बीतने के बाद अगर आपकी बैटरी बैकअप कम हो जाए या फिर किसी रीजन से अगर आप अपनी बैटरी को रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे रियलमी सर्विस सेंटर पर, तो वहाँ पर दोस्तों उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 950 रुपीज़ के आसपास। लगभग आपको 1000 के आसपास आपको रियलमी 3i की बैटरी रिप्लेसमेंट कोस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, एक बात करूं दूसरे डिपार्टमेंट की, दोस्तों बैक कवर की, दोस्तों बैक पैनल की। दोस्तों, हो सकता है अगर आपका बैक पैनल गिरने की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर आपका बैक पैनल टूट जाता है, फिर क्रैक हो जाता है, दोस्तों अगर उसको आप रियलमी सर्विस सेंटर पे उसको रिप्लेसमेंट कराने के लिए जाएंगे, तो वहां पे दोस्तों उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको लगभग 800 के आसपास, लगभग आपको 800 के आसपास आपको रियलमी 3i की बैक पैनल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, एक बात करूं मेन चीज जो कि डिस्प्ले, दोस्तों किसी भी डिवाइस का मेन पार्ट होता है डिस्प्ले। दोस्तों, डिस्प्ले हो सकता है कि गिरने की वजह से या फिर किसी रीजन से अगर आपका डिस्प्ले टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, बैक पैनल डिस्प्ले काम करना बंद कर दे प्रॉपर, तो दोस्तों उसको जब आप रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे रियलमी सर्विस सेंटर पे, तो वहाँ पे दोस्तों उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 2400 के आसपास आपको रियलमी 3i की डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, पे बात करूँ फिंगरप्रिंट, दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। दोस्तों, हो सकता है कि इन फ्यूचर या फिर भविष्य में अगर आपका फिंगरप्रिंट काम करना बंद कर दे, प्रॉपर खराब हो जाए, दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम आए, दोस्तों अगर उसको आप रिप्लेसमेंट कराने जाएंगे तो उसकी रिप्लेसमेंट को लगभग आपको 500 देने पड़ जाएंगे। लगभग आपको 500 के आसपास आपको रियलमी 3i की फिंगरप्रिंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, पे बात करूँ दोस्तों मेन चीज़ों की, मदरबोर्ड। दोस्तों, मदरबोर्ड हो सकता है किसी वजह से अगर आपका मेन बोर्ड या फिर मदर बोर्ड खराब हो जाता है, दोस्तों मेन बोर्ड आपको पता है कि पूरे सिस्टम को चलाता है, दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर मदर मेन बोर्ड को चेंज कराना पड़ा, तो दोस्तों उसकी कॉस्ट आपको वेरिएंट के हिसाब से देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका वेरियंट 3GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज है, तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी 5100 रुपीज़ के आसपास। लगभग आपको 5100 के आसपास आपको रियलमी 3i की मदर बोर्ड या फिर मेन बोर्ड की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। दोस्तों, जितने भी आपको रियलमी 3i की पार्ट्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपको बताए, दोस्तों उसमें सिर्फ आपको GST इंक्लूड मिलेगा। बट दोस्तों, जब आप रियलमी सर्विस सेंटर पे जाएंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपसे अलग से सर्विस चार्ज लिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल करिए, ताकि हमारी हर ऐसी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। दोस्तों, रियलमी 3i से अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।